हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसमें कि फर्स्ट यूनिट में 2 लेक्चर हो चुके हैं और आज बात करेंगे हम स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व को पढ़ा चुके हैं। आज बात करेंगे कि मृत्यु दर संकेतक, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मृत्यु दर संकेतक, मॉर्टिलिटी इंडिकेटर। तो ये जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, पूरा बेस है आपके समझने पे। अगर आपको समझ में आ गया तो आपको बहुत इजी लगेगा ये, और अगर समझ में नहीं आया तो काफ़ी और सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये थोड़ा हार्ड माना जाता है, क्योंकि इसके जो लैंग्वेज है बुकेज लैंग्वेज, और इस ये समझ में थोड़ा कम में आता है। तो अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो ऐसा मत सोचिएगा कि 100% आपको समझ में आ ही जाएगा। एक दो बार आप लोग रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग बिल्कुल समझने पर ध्यान दीजिएगा। तो हम देखते हैं कि मृत्यु दर संकेतक, जिसको हम मॉर्टिलिटी इंडिकेटर कहते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें जो है, यह प्रति व्यक्ति या प्रति क्रूड मृत्यु दर, जिसको क्रूड डेथ रेट कहते हैं, यह प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब यह प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति, इसको हम बटे में लिखने की बात करें तो इसमें इस तरीके से लिखा जा सकता है। जस्ट वन सेकेंड, मैं आपको रफ में समझाती हूँ। इससे बात ये करता है कि एक व्यक्ति प्रति 1000 वर्ष, 1000 मतलब 1000 पर एक व्यक्ति को लिया जाता है, और एक वर्ष में जितनी मृत्यु होती है, एक वर्ष में एक व्यक्ति 1000 व्यक्तियों पर जितने व्यक्तियों की मृत्यु होती है उसको ही हम कहते हैं क्रूड मृत्यु दर। आयु विशिष्ट दर किसे कहते हैं? एज स्पेसिफिक डेथ रेट जिसे हम कहते हैं। यह एक ही अवधि के दौरान एक ही आयु वर्ग की अनुमति प्रति 1000 जनसंख्या के दौरान निर्धारित आयु में जनसंख्या के विशिष्ट आयु वर्ग में होने वाली मृत्यु की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब 1000 जनसंख्या पर क्या किया जाता है, 1000 जनसंख्या पर एक ही एज ग्रुप के जो व्यक्ति होते हैं उनमें जो विशिष्ट आयु वर्ग के लोग होते हैं, एक वर्ष में जितनी मृत्यु होती है उस तरीके से इसको परिभाषित किया जाता है। शिशु मृत्यु दर क्या है? इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। यह एक वर्ष से कम उम्र के लोगों की मृत्यु का अनुपात है, जो एक ही वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या और आमतौर पर प्रति 1000 जीवित जन्मों की दर के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि एक वर्ष में देखा जाता है कि 1000 जीवित जन्मों पर कितने लोगों की मृत्यु हुई है, इसी के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। बाल मृत्यु दर किसे कहते हैं? चाइल्ड मॉर्टिलिटी रेट। अच्छा, जो इसमें शिशु मृत्यु दर है उसमें 1 साल से कम उम्र के बच्चों को देखा जाता है कि 1000 जीवित जन्म पर कितने 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु हुई है। बाल मृत्यु दर, बाल मतलब होता है कि 1 से 4 वर्ष की आयु के बच्चे। तो इसमें देखा जाता है कि 1000 बच्चों पर कितने 1 से 4 वर्ष के बच्चों की मृत्यु हुई है। माता मृत्यु दर, जिसको मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट कहते हैं, या गर्भावस्था प्रसव या प्रसव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आप लोग नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी फर्स्ट ईयर से लेकर आप जब गवर्नमेंट का एग्जाम देते हैं तब तक पूछा जाता है। तो ये गर्भावस्था प्रसव या प्रसव के 42 दिन के भीतर एक क्षेत्र वर्ष प्यूपेरियल के कारण से प्रसव के 42 दिन के भीतर एक ही वर्ष में, तो 1 लाख जीवित जन्मों की जटिलताओं के कारण महिलाओं की मृत्यु की कुल संख्या को परिभाषित किया जाता है। अच्छा, जो 42 दिन के लिए, जैसे कोई महिला होती है वो गर्भ को धारण करती है तब से लेकर जब वो बच्चे को जन्म दे देती है, तो 42 दिन तक, जन्म देने के 42 दिन के दिन तक, जैसे कि ये जो 42 दिन होता है ये प्यूपेरियल पीरियड कहलाता है, जिसमें कि जो बॉडी होती है वो पहले के स्टेजेस में आना स्टार्ट कर देती है, तो वही 42 दिन का समय होता है। तो इस 42 गर्भावस्था से लेकर 42 दिन के समय तक अगर किसी भी माता की मृत्यु होती है तो ये 1 लाख जीवित जन्मों पर ये काउंट किया जाता है। मतलब 1 लाख जीवित जन्म जो माता हैं उन पर, जितनी भी महिलाएं गर्भावस्था में से लेकर 42 दिन तक जो
जन्म के बाद भी 42 दिन तक जितनी मृत्यु हुई रहती है वो माता मृत्यु दर कहलाती है। ये 1 लाख जीवित जन्मों पर देखा जाता है, मतलब 1 लाख महिलाओं पर देखा जाता है कि कितनी मृत्यु हुई है। जैसे कि हम बात करें, जान लो कि शिशु मृत्यु दर है, तो 1000 बच्चों पर 1000 बच्चों को लिया जाएगा, उसमें से 1000 बच्चों में कितनी मृत्यु, 1 साल में कितने बच्चों की मृत्यु हुई, इसको ही देखा जाता है। मानते हैं कि 1000 जीवित जन्म पे देखा गया, तो इसमें से 1000 जीवित जन्म पर जब देखा गया, माना गया कि 2 बच्चों की मृत्यु हुई, तो इसे ही कहते हैं शिशु मृत्यु दर। तो इसी तरीके से काउंट किया जाता है कि एक ले लिया जाता है कि इतने में कि, जैसे कि आप इस तरीके से देखिए कि जैसे कि आपने 1 किलो आम खरीदा और 1 किलो आम में कितने आम सड़े निकले, ठीक है, कितने आम खराब निकले, तो उसी तरीके से हम बात करते हैं कि इसी तरीके से मृत्यु दर को भी देखा जाता है। जैसे कि आप यही एग्जांपल लेकर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 1 किलो आपने आम खरीदा, उसमें कितने सड़े आम निकले, जैसे कि 2 आम सड़े निकले, तो उसी तरीके से आप करेंगे कि 1 वर्ष में कितने हुए कि वही माता मृत्यु दर हो गया, ठीक है। तो आप तो यही कहेंगे कि 1 किलो आम में मान लो 2 आम सड़े निकले, तो आप कहेंगे कि 2 आम खराब निकले। 1 किलो आम में अगर मान लो 10 आम चढ़े हैं, तो उसमें 2 आम सड़े निकलेंगे, तो कितने सही होंगे, तो होंगे 8 सही। तो इसी तरीके से इसको देखा जाता है कि इस फर्टिलिटी रेट क्या होता है, इस एक विशिष्ट बीमारी से होने वाली मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि एक विशेष समयावधि में विभाजित होती है। सामान्य जो समयावधि के दौरान मामलों की संख्या को 100 के अनुसार व्यक्त किया जाता है। तो ये एक विशेष बीमारी में देखा जाता है कि इस फर्टिलिटी रेट जो होता है वो किसी विशेष बीमारी में देखा जाता है कि जो मृत्यु होती है, तो उसी को हम केस फर्टिलिटी रेट कहते हैं। अब बात करते हैं कि मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। तो सेकंड जो आता है वो मॉर्बिडिटी रुग्णता संकेतक, जिसको हम कहते हैं। तो किसी दिए गए जनसंख्या में बीमारी के बोझ का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित रुग्णता दर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि कोई भी बीमारी है, अगर उसका अनुमान लगाना है तो उसमें क्या देखा जाता है, उसकी बात हम करते हैं। तो घटना और प्रसार दर, अधिसूचना दर, प्रवेश पुनः प्रवेश दर, निर्वहन दर, OPD उपस्थिति। तो अगर किसी भी बीमारी का आकलन करना है, जनसंख्या की बीमारी का बोझ का अनुमान लगाना है, तो उसके लिए ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं कि कब घटना हुआ, कब प्रसार दर कितनी थी, अधिसूचना दर कितनी कैसी थी, और प्रवेश या पुनः या इसका निर्वहन हो रहा है कि नहीं, और OPD की उपस्थिति है कि नहीं, ये सब चीज़ें भी देखी जाती है। विकलांगता संकेतक क्या होता है, तो डिसेबिलिटी इंडिकेटर। घटना प्रकार संकेतक किसी निश्चित अवधि में प्रतिबंधित गतिविधि विस्तार की विकलांगता दर, कार्य हानि के दिनों की संख्या होती है, विकलांगता संकेतक जो होता है। व्यक्ति प्रकार के संकेतक, पोषण संबंधी स्थिति संकेतक, इसमें क्या होता है कि एर्थोपोमोट्रिक माप और स्कूली बच्चों की ऊंचाई, वजन, मध्याह्न की परिधि, सर की छाती, ये सब लिया जाता है। तो व्यक्ति प्रकार के जो संकेतक होते हैं उनमें ये सब चीज़ें लिया जाता है कि बच्चों का वजन लिया जाता है, परिधि, और ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो प्रजनन संकेतक क्या होता है, फर्टिलिटी इंडिकेटर, जन्म बर्थ रेट जिसे हम कहते हैं, या दिए गए वर्ष में प्रतिवर्ष अनुमानित 1000 मध्य वर्ष की आबादी के जीवित जन्मों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। जितने भी जैसे कि दिए गए वर्ष में प्रतिवर्ष अनुमानित 1000 मध्य वर्ष की आबादी के जीवित जन्मों की संख्या के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना, उतना ये सब एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, तो बस आप एक बार ऐसे देख लीजिए जल्दी जल्दी में, जिससे आपकी अगर बाई दबे आता है क्वेश्चन में, तो आपसे छोटे ना, वैसे फर्स्ट ईयर में ये सब चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं, ये सब गवर्नमेंट का जब एग्ज़ाम होता है तभी पूछा जाता है, बट आप एक बार नज़र मार लीजिए इस पर। सामान्य प्रजनन दर जिसको कहते हैं जनरल फर्टिलिटी इंडिकेटर, इसे जीवित जन्मों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है, और एक दिए गए वर्ष में प्रजनन आयु वर्ग 15 से 44 वर्ष की जो आयु होती है उसमें 1000 महिलाओं पर ये देखा जाता है। जो सामान्य प्रजनन दर है वो 15 से 44 वर्ष की महिलाओं के बीच में देखा जाता है, 1000 महिलाओं पर ये चीज़ें काउंट की जाती हैं। कुल प्रजनन दर जिसको हम टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, या बच्चों की औसत संख्या का प्रतिनिधित्व करता है जो कि एक महिला का होता है। यदि वह अपने प्रजनन वर्ष से गुजर रही है तो बच्चों की उसी दर पे पाती है जैसे कि प्रत्येक आयु वर्ग में महिलाएं हैं। तो ये होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महामारी विज्ञान, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे महामारी विज्ञान। तो इस ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है महामारी विज्ञान,
बट फिर भी हम लोग पढ़ेंगे, और इम्पॉर्टेंट पार्ट है पीएचसी से और सीएचसी से, तो इस सबको हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आपको ये बुक अगर आपके पास है तो आप अपने सामने इस बुक को रख के पढ़िए, तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर मैं पीडीएफ शेयर कर दूँगी, जिससे कि अगर आपके पास पीडीएफ रहेगा तो आप फोटोकॉपी करवा लीजिएगा या फिर वैसे भी आप लोग देख सकते हैं। अगर टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको वो मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होइए और वहाँ पे आप लोग कमेंट करिएगा कि हाँ मुझे इस चीज़ का नोट्स चाहिए या फिर इस चीज़ की पीडीएफ चाहिए, तो मैं फोटो क्लिक करके आपके पास सेंड कर दूँगी। तो ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।